ट्रेन का स्टेशन देखकर आप लोग को समझ ही आ गया होगा कि हम कहीं पे जा रहे हैं। जी हाँ, हम जा रहे हैं चंडीगढ़। और यहाँ पे हम तीन पे चढ़ के यहाँ पे पहुँच गए। देख लो, यहाँ पे गाड़ी पे वेट कर रहे हैं रूम पे जाने के लिए। और भैया भाभी आ गए, इनसे हम पहली बार मिल रहे हैं 25 साल के बाद। और भाभी को तो पहली बार मिल रहे हैं। यहाँ पे घर पे जाने के लिए कैब का वेट कर रहे हैं। यहाँ पे हम थोड़े बहुत सूट कर रहे थे, इधर उधर के सूट कर रहे थे कि क्या है क्या नहीं है, तुम सूट कर लो, इनको बोल रहे थे मैं। और ये देखे, मौसम तो बढ़िया हो रहे थे। और हम गाड़ी का वेट करते करते परेशान हो गए थे, कहा गाड़ी मतलब बहुत टाइम के बाद आए थे। यहाँ पर हमारी कैब आने को है, हम बस उसी का ही वेट कर रहे हैं। यहाँ पे सब लोग बातें कर रहे हैं कि कितने टाइम बाद मिले हैं सब लोग। और ये देखे, घर पे पहुँच गए हम। और यहाँ पे कुछ रिचुअल्स हो रहे हैं, ये टीका लगा रहे हैं। मतलब जब हम आते हैं कहीं पर नए तो लगाते हैं सब लोग ऐसे करके। तो यहाँ पे भाभी पैर छू रहे मम्मा और पापा के। पापा तो थोड़े बहुत इमोशनल हो गए, आप देख सकते हैं कि मतलब उनकी आंसू थोड़े बहुत वो मतलब वो करके रुका हुआ है। हमारे पापा मतलब बहुत ही इमोशनल है। और यहाँ पर सबको टीका लगाए जा रहे हैं। भाभी देख सकते हैं, ये है मेरे भैया। और यहाँ पर ये है भाभी, मुझे टीका लगा रहे थे। मैंने इनको फ़ोन पकड़ा दिया कि तुम शूट कर लो, मेरा वीडियो आ जाए अच्छे से। देखिए, फिर आई इनकी बारी, फिर इनको भी टीका लगाया और इनको भी शूट करा। और यहाँ पर हमारा सब रिचुअल्स ख़त्म हो चुका है। और हम बैठेंगे, बात करेंगे कि कितने टाइम बाद मिले हम। और यहाँ पर पापा और मम्मा आशीर्वाद दे रहे भाभी को। मैंने भी शूट कर लिया, चलो कोई नहीं, मैं शूट कर लेती हूँ। कितना प्यार है सब में, ऐसे अच्छा लगता है कि परिवार में प्यार हो तो सही लगता है। और भाभी भी बहुत खुश है, भैया भाभी 25 साल के बाद दिखाई दे रहे हैं। एक्चुअली मेरे भैया है, वो मेरे मासी का लड़का है, तो उनसे मतलब 25 साल के बाद हम मिल रहे हैं। सब लोग बहुत खुश है, हम पहली बार आए हैं तो बच्चे वगैरह सब खुश है। भाभी तो मतलब डबल खुश है। और यहाँ पर शाम को आ गए हम पार्क में। पास में ही एक पार्क है और उसका बहुत बड़ा एरिया है, आप देख ही सकते हैं कितना बड़ा एरिया है वहाँ का पार्क का। मैं चलो देखे आते, बच्चे भी बोल लेते कि चलो बुआ हम पार्क दिखा के लाते। और हम चले आए पार्क में थोड़ा सा टहलने के लिए। और यहाँ पर देख सकते हैं कितने सारे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। अभी कोई तो बैडमिंटन खेल ले। और यहाँ पर और एक चीज़ दिखाई देंगे आपको, रुकिए हम आगे जा रहे हैं। यहाँ पर वो जो देख रहे हैं ना आप लोग, वो ताश के पत्ते खेल ले। और हम आगे आगे यहाँ पर ये लोग देख रहे हैं ताश के पत्ते खेल रहे ये। और यहाँ पर मतलब जिम की एक्टिविटी करने वाली चीज़ भी है बहुत सारी। मतलब आप लोग ऐसे पार्क में मतलब होना अच्छा लगता है। यहाँ पर देखो बंदर की तरह झूलने लग गए। आए हाय, दो बारी से काम चल गया इनका तो। यहाँ पर मैंने बोला मैं भी ट्राई कर लूँगी, मेरे से देखो के आया। मैंने देखा मुझे तो हो ही नहीं रहे थे। और यहाँ पर आ गए मेरे पापा और उनको भी करना है। और ये देखे, उनको तो आ ही नहीं रहे, देखो कितने वो मतलब बहुत ही शॉर्ट हाइट के हैं ना, तो उनको वो आ ही नहीं रहे थे। ये देखे वो झूल रहे कैसे। उधर से मेरे जो हस्बैंड है वो चिल्ला रहे थे, चिढ़ा रहे थे उनको कि पापा जल्दी करो हो जाएंगे आपसे। तो यहाँ पर हम आ गए और यहाँ पर हम यहाँ पर उठेंगे, मैं उठूँगी अभी। ये देखो मैं चढ़ गई और स्लाइड करूँगी यहाँ से। ये बड़े वाले हैं इधर साइड, पता नहीं आप लोगों को स्पष्ट तरीके से दिखाई देगा कि नहीं। थोड़ा सा अंधेरा की वजह से मतलब वो थोड़ा सा वैसा हो गया है, पर एडजस्ट कर लेना गाइस प्लीज़। यहाँ पर देखो मैं स्लाइडिंग करूँगी अभी। डर भी लग रहा है पर अच्छा लगता है कभी कभी मतलब ऐसा करना। यहाँ
पर ले गए। मैं तो आने की मतलब सोच ही नहीं रही थी, मेरे हस्बैंड नीचे से बुला रहे हैं, आ जाओ कोई बात नहीं, डरो मत। ये देखो मैं आ गई और रुक गई, मैं बीच में फंस गई थी फिर आ गई। अच्छा लगता है जो बच्चों की कुछ मतलब चीज़ें करना। यहाँ पे मेरे वो भतीजा भी आ गया, तो हम चले फिर दूसरी ओर, फिर हम झूले झूलने आ गए, झूला झूल लेते। मैं भी मतलब काफ़ी टाइम बाद झूला झूल रही हूँ, करीबन 15 साल के बाद झूले में बैठी हूँ, यहाँ पर झूला झूल रही। यहाँ पर मतलब बहुत अच्छा लगा कि पूरे दिन के थकावट मिट गई यहाँ पर आकर। यहाँ पर हम एक एक करके सवेरे झूला झूलने लग गए, यहाँ पर बच्चों के साथ मतलब कैसे टाइम बीत गया पता ही नहीं चला। रात भी हो रहे थे, उधर से कॉल भी आ रहे थे कि आ जाओ खाना बन गया, पूरे दिन में थकावट है तुम लोगों की, कि खाना खा के सो जाओ जल्दी जल्दी। तो हमें भी अब झूलना झूलने थे, तो यहाँ पर लाला बैठी गए या लाली बैठी गई और वो भी बैठे। एक बारी बारी से हम झूला झूलने लग गए। उसको डर लगता है कि बुआ मुझे ऐसे मत करो, मुझे डर लगता है मैं खुद से झूलूंगी, और वो खुद से झूलने लग गई। यार देखो यहाँ पे लाला को झूला रहे थे मेरे हस्बैंड, और लाला झूल रहे थे, और यहाँ पे बैठे गए हमारे राजा जी, और महाराजा की तरह झूले बच्चों के झूले में। और फिर हम झूला झूल के फिर घर पे चले गए। यहाँ पर देख रहे हैं उनकी बचपन लौट आए हैं, और यहाँ पर हम लोग खेल कर फिर रेडी हो गए घर पे जाने के लिए। चलिए मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।